Controversial reality show Big Boss 13 is all set for its first finale, and the game is in a very interesting stage right now. And like every year, in case you are missing, ABP News' senior journalist Debang on show, जो कि आपको देते हैं घर की inside scoops and gossip, और अपने interesting analysis से लगाते हैं contestants की class, then we have a surprise for you. Let's hear it from Debang once again, that what is his take on Big Boss 13. नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं ना बिग बॉस 13। इस बार खेल थोड़ा हटके है, उसकी वजह से घर में गर्मी है, एक सनसनाहट है, खिलाड़ियों में एक तरह की घबराहट है, छटपटाहट है, पता नहीं कौन बाहर हो जाए। खास बात है कि फिनाले इस बार दो होंगे, एक फिनाले अभी आया है, यानी घर के आधे सदस्य बाहर। अब चार नए सदस्य घर में आएंगे, जो नए सदस्य आ रहे हैं उनको एक तरीके से एडवांटेज रहेगा, वो इनके खेल देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि किसके तार कहां जुड़े हुए हैं, कौन किसके साथ नजर आ रहा है पर है नहीं, कौन चीजों को घुमाते जाता है, समझ में नहीं आता कि वो किस तरफ है, कौन दिखता तो सपाट है बाहर से पर अंदर गड़बड़ करता है, किसकी कहां मिली भगत है, एडवांटेज रहेगा। लेकिन जिस तरह के घर में डायनेमिक्स हैं, जिस तरह की तेजी है, जिस तरह की चीजें हैं वहां पर रोज बदलती, उसमें ये एडवांटेज एक हफ्ते से ज्यादा रहने नहीं वाला है। अगर आप सही खेल नहीं पाते हैं तो एडवांटेज केवल 3-4 दिन रहेगा, उसके बाद सब एक ही लेवल पर रहेंगे। एक बात और है, घर में जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि चार जो है ये हमारा खेल देख रहे हैं लगातार, तो वो अपने खेल को बदलेंगे, उसमें नया रंग चढ़ाएंगे, उसमें नए कनेक्शन बनाएंगे, नए घुमाव लाएंगे, तो ये भी बहुत रोचक होगा। यानी ऐसा ना हो बाहर से जो आ रहे हैं चार समझे कि हम इनको अच्छी तरह जानते हैं और वो अंदर जैसे पहुंचे तो खेल पलट जाए, वो ना घर के रहें ना, ये एक बात समझने वाली है। अगर आप घर को देखें तो सिद्धार्थ शुक्ला बहुत मजबूती से खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड भी वो कर रहे हैं। दूसरे खिलाड़ी पारस हैं, असीम बीच में लटपटा गए थे, गड़बड़ा गए थे, लेकिन अब उनके खेल में सुधार आया है। शहनाज एक तरीके से लगातार खेल रही हैं, जिस तरह से वो खेल रही हैं वो आप देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। रश्मि भी अच्छा खेल रही हैं, ये चार तरीके से चार नाम हैं। मुझे लगता है कि ये इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, इन पाँच नाम में से चार अगले दौर में आपको दिखाई देंगे। अब चार नए लोग आ रहे हैं, इनमें आप देखें शेफाली हैं, ये वीडियो बड़े हिट हुए, अपनी गर्मी दिखाएंगी, अपना खेल दिखाएंगी, उनका खेल खुलेगा, लोगों को समझ में आएंगी नहीं आएंगी, घर में वो एक तरीके से तूफान मचाती है नहीं, ये देखा जाएगा। दूसरे अगर आप खिलाड़ी की बात करें तो वो केसरी लाल यादव हैं, केसरी लाल यादव एक तरीके से हीरो हैं, भोजपुरी यानी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिंदी पट्टी के एक तरीके से वो नायक बन के उभरने की कोशिश करेंगे, कहाँ तक वो कामयाब होते हैं ये देखना होगा। तीसरे जो नए खिलाड़ी हैं वो हैं हिंदुस्तानी भाव, इनका एक एंथम सी है, तिरछे खड़े होंगे, इनके बोलने का तरीका, इनके बोलने का लहजा, ये शुरुआत में लोगों को बड़ा पसंद आएगा, बड़ी चमक रहेगी इनमें। ये कहाँ तक इसको ले पाते हैं, जैसे सलमान कहते हैं कि भाई ये दो दिन में चटक जाएंगे, हफ्ते भर में चटक जाएंगे, कहाँ तक वो अपने आप को जोड़ के रख पाते हैं, कहाँ तक अपना खेल दिखा पाते हैं, ये देखना होगा। तहसीन पूनावाला है जिसको आप देख सकते हैं, जो राजनीतिक विषयों पर बोलते रहते हैं लगातार, डिबेट्स में, टीवी डिबेट्स में दिखाई देते हैं, वो कह रहे हैं कि अंदर जाके घर को वो ठीक ठाक करेंगे, क्या घर वाले वो ठीक ठाक होने देंगे, क्योंकि जब आप एक बार घर में गए तो घर में गए, फिर आप बाहर कुछ भी हो आप घर में हैं तो घर में हैं। रोचक होगा, बहुत मज़ेदार होगा अगला हफ्ता जब ये सब चार लोग नए आएंगे, इन पर लगातार नज़र रहेगी और मैं बताऊंगा कि आगे खेल कैसे चला, किस तरह मुड़ा, कौन उठा कौन गिरा, इस पर लगातार आपसे बात होगी। आप बताइए आपको ये जो मैं बातचीत कर रहा हूँ आपको कैसी लगी बताइएगा। बॉम्बे जाने का मौका लगा, बिग बॉस में जाने का मौका लगा तो वहां से भी मैं आपको अंदर की बात बताऊंगा। ये है एबीपी न्यूज़।
आपको रखे आगे।